हेलो। हाँ How are you? So nobody has joined the class yet. Yes. Slowly. Hello. फरियाल हैज जॉइंड। आवाज आ रही है अस्सलाम फरियाल? वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आवाज आ रही है। जी आवाज है कम ही आ रही लेकिन आ रही है। सो नोबडी हैज जॉइंड येट एक्सेप्ट फरियाल। सो लेट्स रिवाइज द प्रीवियस पॉइंट्स एंड देन वी शैल मूव टू टुडेज पॉइंट्स। Okay, last time, what two points we have read? As far as Philip Larkin is concerned, हमने फिलिप लार्किन की दो पॉइंट्स पढ़ी थी, तो कौन कौन सी दो पॉइंट्स थी ये वो बताएं। Just going. मैं जरा ये फैन थोड़ा सा स्लो करूं क्योंकि आवाज नहीं आ रही है।
ओके जी, सो लास्ट टाइम दो पोइम्स पढ़ी थी जी, कौन कौन सी? चर्च गोइंग, यस, हाँ जी बताएं, चर्च गोइंग और दूसरी कौन सी थी? एंशिएंट मैरिनर्स, हाँ जी. सो व्हाट्स द मेन आइडिया ऑफ चर्च गोइंग, व्हाट हैपेंड इन चर्च गोइंग बेसिकली? फिलिप लार्किन क्या बताता है चर्च गोइंग के अंदर? वैल्यू ऑफ चर्च, वैल्यूज ऑफ चर्च, बिसाइड्स दिस व्हाट हैपेंड इन द पोइम? सर वो एक चर्च में जाते हैं जहां पे कोई बंदा नहीं होता, बिल्कुल वो एम्प्टी सा होता है. उसके बाद वो वहां डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करता है, फाउंटेन्स के पानी को भी हाथ वगैरह लगाता है, फिर छत को देखता है इस तरह, और वो उसे ऐसे लगता है जैसे ये बिल्कुल न्यू है या कोई चीज रिस्टोर की गई है. ओके, वेल डन. तो वो कहता है कि ये चीज शायद इतनी वैल्यू नहीं रखती अब लोगों के लिए, शायद बाद में इसे जो है वो यूज किया जाए किसी और काम के लिए, जैसे शादी ब्याह के लिए, फिर वो बाप्टिज्म, वो कहते हैं जो वो एटीट्यूड बता रहे हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलीजियस बिलीफ. हां जी. ओके, वेल डन. सो दिस वाज बेसिकली चर्च गोइंग इन व्हिच फिलिप लार्किन हैज प्रेजेंटेड दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम churches have lost their values, that in the modern age people might visit the church but not for the purpose of having a religious purpose or a sort of spiritual purpose, but they are going to visit the churches just because of entertainment or to attend a festival, or they might attend it to get a sort of charm or to a sort of disease. If they have a disease related to their kids, so they might visit that church, or it might be the case that the churches will be full of grass and all these things, that nobody will be able to visit the churches. Secondly, we have read another poem, that was dusri poem humne kaun si padhi thi? Mr. Blini. हाँ जी, Mr. Blini. और Mr. Blini के अंदर क्या होता है, कौन बताएगा? ये poem loneliness के बारे में. हाँ जी. What happened in the poem? सर इसमें poem जो होता है speak. सब आप बोले. नहीं आप बोल लें. मैंने यहाँ बोली ना, फिर मैं बाद में कर लेती हूँ, अगर मुझे कहीं से समय ना आए पूछ लूंगी. आप कह रहे हैं दिस पोएम इज अबाउट रेच्ड प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन एंड इट्स प्लेजर्स. लोनलीनेस के बारे में है कि मॉडर्न मैन के इश्यूज और उसके प्लेजर्स के बारे में, सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में है. ओके, फरियाल. हाँ जी, सो मिस्टर Blini भी एक सेकंड पॉइंट हमने जो पढ़ी थी, आवाज नहीं आ रही, शायद सर्विस प्रॉब्लम है, उसमें भी यही प्रेजेंट किया गया है कि मॉडर्न एज के अंदर थोड़े सी हटके के एलियनेशन जो है, ठीक है, जो एलियनेशन का थीम होता है या सेल्फ सेपरेशन, लोग अलग थलग से रह रहे हैं, तो सिर्फ उसकी जो रहन सहन को देख कर इंसान का पता चलाया जा सकता है कि उसकी नेचर कैसी है. ठीक है, तो एक मिस्टर Blini है जो कि पहले रहता था उस रूम के अंदर, जिस रूम में अब जो स्पीकर ऑफ द पोइम है वो वहां पर रहने के लिए आया है.
तो वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें वहां पर देखता है, जैसे जैसे वो उसके कर्टन किस तरह के थे, ठीक है, क्या चीजें वो पसंद करता था, ठीक है, गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियों में वो कहाँ पर जाता था, ठीक है, तो सारा उसको उसके मुतलक सिर्फ उसके रहन सहन से, सिर्फ उसके रूम को देखने से पता चल जाता है, ठीक है। एंड पर वो कहता है कि हाउ वी लिव मेजर्स अवर ऑन नेचर, कि जैसे हम रहते हैं इसी से हमारी नेचर का पता चलता है, ठीक है। तो ये हमने दो पॉइंट्स पढ़ी थी फिलिप लार्किन की। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द थर्ड पॉइंट एंड इट इज MCMXIV, ठीक है। तो ये रोमन लैंग्वेज जो है उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है कि ये रोमन लैंग्वेज में 1914 लिखा हुआ है, ठीक है, रोमन लैंग्वेज में 1914 लिखा हुआ है। इसका टाइटल जो है वो MCMXIV है। 1914 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट अगर किसी को याद हो। यस, एनीवन? सर रिपीट करें। 1914 में क्या एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था पूरी दुनिया में? वर्ल्ड वार हुई थी। वर्ल्ड वार, हाँ जी, वेल डन। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हुई थी 1914 में। तो ये उसी से मुतलक है, वर्ल्ड वॉर वन से मुतलक। जब मैंने लास्ट टाइम शुरू किया था मॉडर्न पोइट्री का ये पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिवेस्टेशंस हैं वर्ल्ड वॉर वन की, वो मॉडर्न पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और एक जो एलिनेशन का थीम है, डिसइंटीग्रेशन का थीम है, एक थीम है जिसमें आप डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अलग थलग जाके रहते हैं, ठीक है, वो थीम हमें मॉडर्न पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी वो 1914 जो जंग थी, जंग की सूरत हाल, उसके बारे में बताता है कि कैसे उस वक़्त की सिचुएशन क्या थी, जो लोग थे या जो यंग पीपल थे वो कैसे एक ओवल पार्क या विला पार्क के बाहर आकर खड़े हुए थे, उनके चेहरे किस तरह के थे, और शॉप्स जो थी वो किस तरह की थी, बच्चे वहाँ पर एक कैसे दिखाई दे रहे थे, ठीक है, और जो कंट्री साइड का था इलाका वहाँ पर कैसी सिचुएशन थी, और जो अर्बन साइड का इलाका है वहाँ पर कैसी सिचुएशन थी। फर्स्ट टू स्टैंजास विल बी अबाउट द अर्बन एरियाज एंड द लास्ट टू स्टैंजास विल बी अबाउट कंट्री साइड एरियाज, ठीक है। तो पहले दो जो स्टैंजास हैं ये अर्बन यानी शहरी जो इलाके हैं उनकी सूरत हाल के बारे में बताएंगे, और जो लास्ट टू स्टैंजास हैं, टोटल चार स्टैंजा हैं इस पोइम के अंदर, लास्ट टू स्टैंजास हमें बताएंगे कि जो कंट्री साइड की यानी विलेजेस की सूरत हाल उस वक्त क्या थी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये ऊपर देख लें, इसमें लिखा हुआ जो पिक्चर ऑफ डिवेस्टेटेड टाउन एंड विलेजेस, ठीक है, तो एक सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हमें इस पॉइंट के अंदर दिखती है। सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेट हो गए थे, वो सारे बिखरे हुए थे वो लोग, ठीक है, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करना है हमने, ठीक है। तो ये एक थीम सा है इस पॉइंट का। Let's begin from the text. Those long, uneven lines. ये लंबी और uneven lines, unequal lines, यानी बिखरी हुई lines थी, किन की? वो जो फौज के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए या वहां पर आए हुए थे serve करने के लिए young people, उनकी standing, और वो खड़े थे as patiently, बहुत ही बेसब्री के साथ, as if, जैसे के they were stretched outside, उनको फैला दिया गया हो, घेर दिया गया हो, outside the oval or villa park, तो ये दो जगह हैं, इन जगहों के सामने उनको जैसे घेर दिया गया हो, फैला दिया गया हो। The crowns of hats, और क्राउन्स जो थे, टॉप्स ऑफ हेड्स, उनकी सर की टोपियां जो थी, दस वही सिर्फ नजर आ रही थी, यानी इतना हजूम था
कि उनके जिस्म मुश्किल ही नजर आ रहे थे, उनके हेड्स ही सिर्फ देखे जा सकते थे, इतने ज्यादा वो लोग थे। द सन ऑन द मोस्टेज्ड आर्काइक फेसेस, और सूरज जो था ये चमक रहा था ऑन द मोस्टेज्ड आर्काइक फेसेस, उनके मूंछों वाले, मोस्टेज कहते हैं जी मूंछों, मूंछे जो हैं, और आर्काइक ओल्ड फेसेस चेहरों पर, एक अजीब से परेशान पुराने से चेहरों पर सूरज चमक रहा था, ग्रिनिंग, और ऐसे जैसे कि हंस रहे हो, एज इफ इट वर ऑल एन अगस्त बैंक हॉलीडे लाग, कि जैसे ये कोई अगस्त बैंक की हॉलीडे की खुशी हो, ठीक है, और ऐसे पता चल रहा था कि जैसे वो थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं या हंस रहे हैं, जैसे कि अगस्त बैंक हॉलीडे की कोई खुशी हो, लार्क मतलब खुशी, जॉय। तो ये सोशल डिसइंटीग्रेशन जो है वो दिख रही है, यानी कोई बंदा नहीं, बच्चे नहीं है, डिसइंटीग्रेटेडनेस इसमें जाहिर हो रही है, वो अनइवन से भी, ठीक है, तो उसने बात की है ना कि अनइक्वल सी लाइंस हैं, ठीक है, कोई डिसिप्लिन नहीं है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सब कुछ जो है वो बिखरा हुआ होता है उनकी लाइफ्स के अंदर। तो ये एक थीम हमें दिखता है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर, जो कि अर्बन लाइफ से मुतल्लिक उसने बताया। दूसरा स्टैंजा इसमें वो कहता है, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है? जी सर। ओके, एंड द शट शॉप्स, द ब्लीच्ड एस्टैब्लिश्ड नेम्स, ठीक है, और शट शॉप्स यानी दुकानें क्लोज हैं, शट हैं, सारी दुकानें बंद हैं। द ब्लीच्ड एस्टैब्लिश्ड नेम्स, ब्लीच यानी उड़े हुए हैं, रंग भी उनके उड़े हुए हैं। एस्टैब्लिश्ड नेम्स ऑन द सन ब्लाइंड्स, ठीक है, वो उनके नाम सन ब्लाइंड्स यानी कर्टन्स के ऊपर, उन दुकानों के नाम वगैरह भी मिट गए हैं, तकरीबन पुराने हुए हैं, उड़े हुए रंग हैं, कर्टन्स के ऊपर नजर आ रहे, पर्दों पे, सन ब्लाइंड्स यानी पर्दों पे नजर आ रहे हैं। द फर्डिंग्स, फर्डिंग्स भी कॉइन है, सिक्का, और सॉवरन्स ये भी सिक्के हैं, तो सिक्के, एंड डार्क क्लॉथ्ड, और तारीख क्लॉथ्ड कपड़ों में, डार्क अफसुर्दगी के कपड़ों में, चिल्ड्रन बच्चे हैं, एट प्ले जो के खेल रहे हैं, डार्क क्लॉथ्ड हैं, ठीक है, इससे ये एक सिंबॉलिकली नजर आता है कि ये एक डार्कनेस जो है वो ग्लूमीनेस का सिंबल है, अफसुर्दगी का सिंबल है, ठीक है, डार्क क्लॉथ्ड हैं चिल्ड्रन बच्चे, एट प्ले जो के खेल रहे हैं वहां पर। Called after kings and queens, called after जिनके नाम रखे गए हैं, जिनको पुकारा जाता है, kings and queens, okay, kings और queens के जैसे नाम उनके भी रखे गए हैं, okay, the tin advertisements, और जैसे कि tin advertisements हैं, tin के advertisements हैं, लोहे के जो होते हैं वो advertisements वगैरह बनी हुई, फॉर कोकोआ चॉकलेट के लिए, ट्विस्ट तंबाकू के लिए, एंड पब्स और पब्स वगैरह शराब खाने, वाइड ओपन ऑल डे, ये भी खुले हुए हैं सारा दिन, ऑल डे यानी तमाम दिन ये ओपन है। एंड द कंट्री साइड, ये थर्ड स्टैंजा है, इसमें कहते हैं एंड द कंट्री साइड, और ये विलेज, ऊपर वाले दोनों स्टैंजाज हैं इसके बारे में, अर्बन लाइफ के बारे में, अब ये नीचे वाला थर्ड स्टैंजा जो है ये होगा विलेज लाइफ के बारे में, ओके, एंड द कंट्री साइड, और गांव, नॉट केयरिंग, ये परवाह ना करते हुए छुप गए हैं, ओके, नॉट केयरिंग उन्हें कोई परवाह नहीं, द प्लेस नेम्स, ये स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Yes, sir. Okay.
सो वो कहता है कि ये जो कंट्री साइड है, विलेजेस हैं, नॉट केयरिंग द प्लेस नेम्स ऑल हेज्ड ओवर, ठीक है, इसके ऊपर भी जितने भी जगहों के नाम थे वो भी हेज्ड ओवर हो गए हैं, छुप गए हैं विद फ्लावरिंग ग्रासेस, ठीक है, इसमें एक फ्लावरिंग ग्रासेस घास वगैरह है फूलों के साथ, एंड फील्ड्स और खेत वगैरह शेडोइंग डूम्स डे लाइन्स, जो के अकासी कर रही हैं एक डूम्स डे लाइन्स की, ठीक है, डूम्स डे लाइन्स एक मतवातर लाइन्स की जो अकासी कर रही हैं, अंडर वीट्स रेस्टलेस साइलेंस, जो के एक गंदम की रेस्टलेस साइलेंस नजर आ रही है, यानी एक आहिस्ता से बढ़ रही है जो साइलेंस, रेस्टलेस साइलेंस हमें नजर आ रही है उसके अंदर, द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स, एक मुख्तलिफ रंग के कपड़े पहने हुए सर्वेंट्स नजर आ रहे हैं, विद टाइनी रूम्स, छोटे छोटे कमरों में, इन ह्यूज हाउसेस, बड़े घरों के छोटे कमरों में डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, द डस्ट बिहाइंड लुमिनस, और जो डस्ट लेमोजीन्स, हाँ ये है जी लिमोजीन्स, डस्ट जो है वो नजर आ रही है बिहाइंड के पीछे लिमोजीन्स के, यानी जो कारें वगैरह हैं वो भी सारी उनमें भी डस्ट नजर आ रही है, गंदी सी हुई भी है सारी। तो ये भी डिफरेंटली अजीब से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं सर्वेंट्स ने भी, ठीक है, यानी उन्हें कोई समझ नहीं आ रही है अब कि किस तरह की ये सिचुएशन है, अब टाइनी रूम्स हैं उनके ह्यूज हाउसेस के, ठीक है, यानी अब बड़े बड़े घर के छोटे छोटे कमरे उन्हें नजर आ रहे हैं, और उनकी कारें भी गर्द आलूद हो चुकी हैं, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर जाहिर बात है कि वो भी गंदी हुई हुई डस्ट से भरपूर कारें उनकी पड़ी हुई हैं इस सिचुएशन के अंदर जो वॉर की सिचुएशन है, ठीक है। लास्ट स्टैंजा इसमें वो कहता है, नेवर सच इनोसेंस, कि कभी भी नहीं ऐसी मासूमियत, नेवर बिफोर, इससे पहले कभी भी नहीं, और सिंस, या अभी तक, यानी इस जैसी मासूमियत इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई, ठीक है, यानी ये जो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, इस जैसी सिचुएशन पहले कभी भी माजी में नहीं दी देखी गई, एज चेंज्ड इटसेल्फ टू पास्ट, ओके, विदाउट अ वर्ड, यानी बिना लफ्ज बोले जिसने अपनी माजी को बदल दिया है, ओके, चेंज्ड इटसेल्फ टू पास्ट विदाउट अ वर्ड, ऐसी सिचुएशन है कि बिना कोई लफ्ज बोले ही हमने अपने माजी को बदल दिया है, द मैन लीविंग द गार्डन्स, और आदमी जो हैं ये लीविंग छोड़ रहे हैं द गार्डन्स, गार्डन्स को टिडी खाली छोड़ रहे हैं, द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस, और हजारों शादियां, लास्टिंग अ लिटल, जो कि थोड़ी देर ही कायम रही, वाइल लॉन्गर, नेवर सच इनोसेंस अगेन, ठीक है, कि लिटिल वाइल लॉन्गर, यानी वो जो शादियां हुई थी उनके हस्बैंड्स वगैरह भी चले गए वॉर पे, और वॉर पे फिर उनकी डेथ हो गई, तो वो शादियां भी इतनी ज्यादा देर तक नहीं रही, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस जो थी, यानी डेथ्स पर इतनी ज्यादा हुई, तो वो भी कोई शादियां लॉस्ट लॉन्गर ना हुई, नेवर सच इनोसेंस, कहता है सी इनोसेंस अगेन, फिर दोबारा कभी भी नहीं आएगी, नेवर सच इनोसेंस, ऐसी जो इनोसेंस है वो दोबारा कभी भी नहीं आएगी, हालांकि ये दोबारा वर्ल्ड वॉर टू में आ गई थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जब टू हुई तो, ठीक है, तो एक किस्म की ये वाली लाइन जो है लास्ट लाइन, ये एक आयरोनिक लाइन हो सकती है, हम इसको कह सकते हैं कि नेवर सच इनोसेंस अगेन, ऐसी इनोसेंस दोबारा कभी नहीं दिखी, तो वो दोबारा भी दिखी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर। तो ये एक पोइम है जो सारी वर्ल्ड वॉर से
रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाँ जी, समझ आ गई है? यस सर। तो इजी सी ही पोइम है, बस ये आपने एक दफा देख लेना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। MCM XIV एक रोमन टाइटल है, ठीक है, 1914। मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूँ। पिक्चर ऑफ डिवेस्टेटेड टाउन्स एंड विलेजेस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन है इस पोइम के अंदर दिखती। तो सारा इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो पहले स्टेंजा के अंदर एक फौज में जो जाने वाले यंग पीपल थे, वो एक ओवल या विला पार्क के अंदर खड़े थे, ये जो अभी आए हैं दोबारा उनके लिए, कि दोज लॉन्ग एंड इवन लाइन स्टैंडिंग एज पेशेंटली ओवरस्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और विला, ये वो नौजवान फौज वाले जो के बाहर खड़े थे ओवल और विला पार्क के, क्राउन्स ऑफ हेड्स द सन और मॉस्टेज आर केक फेसेस, के उनके सिर्फ हेड्स नजर आ रहे थे, जैसे कि ताज होता है, टॉप्स नजर आ रहे थे उनके, ठीक है, और सूरज से उनके जो चेहरे थे माउस्टेचेस मूंछों वाले चेहरे वो हमें दिखाई दे रहे थे, और वो हंस रहे थे ऐसे जैसे कि कोई अगस्त बैंक हॉलीडे की खुशी हो, ठीक है, इस तरीके से वो हंस रहे थे। यानी वो फौज में जो जाने के लिए, जंग लड़ने के लिए जाने के लिए जितने भी यंग लोग थे वो हमें यहाँ पर दिखते हैं कि वो कितारे बनाए, अनइक्वल सी कितारे बनाए, बिखरे हुए से खड़े हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्टैंजा के अंदर उसी अर्बन लाइफ का हमें दिखता है कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, कि हर एक चीज बिखरी हुई नजर आ रही है। एंड द शट शॉप्स, शॉप्स क्लोज हैं, ब्लीच जुड़े हुए रंग हैं, एस्टैब्लिश्ड नेम्स ऑन द सन ब्लाइंड्स, और कर्टन्स पे भी नाम अजीब से नजर आ रहे हैं, फर्दिंग्स और जो कोई सिक्के हमें कुछ नजर आ रहे हैं, डार्क क्लॉथ चिल्ड्रन हैं, बच्चे जो प्ले करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस, जिनके नाम किंग्स और क्वींस के तरह रखे गए हैं, द टिन एडवर्टीजमेंट्स हमें नजर आ रही हैं, कोकोआ ट्विस्ट और द पब्स हैं वो वाइड ओपन ऑल डे, जो कि सारा दिन खुले रहते हैं, ठीक है। तो यानी इसमें भी हमें नजर आता है कि कोई भी यंग पीपल यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, ठीक है, सिर्फ उसने जिक्र किया है इधर बच्चों का कि बच्चे मौजूद हैं, इसके अलावा कोई भी यंग पीपल जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अर्बन लाइफ के अंदर कोई भी बूढ़े भी नजर नहीं आ रहे, ठीक है, सब चीजें बिखरी हुई नजर आ रही हैं, उड़े हुए रंग नजर आ रहे हैं, कर्टन्स के ऊपर नाम भी अजीब अजीब से नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट टू स्टैंजास हैं, थर्ड स्टैंजा के अंदर वो बात करता है कंट्री लाइफ के बारे में, कि यानी ये तो ऊपर वाले दो स्टैंजास तो हो गए शहरी जिंदगी कैसी थी, तो नीचे वाले दो स्टैंजास में बात करता है कि जो कंट्री लाइफ थी विलेजेस इस 1914 जब जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी, तो वह कहता है वहां पर भी कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा था, प्लेसेस नेम्स हेज्ड ओवर, वो भी छुप गए थे नाम भी के, क्या जगहों के क्या नाम है, विद फ्लावरिंग ग्रासेस और फील्ड्स उसके साथ थी, शेडोइंग डूम्स डे लाइंस थी, तो एक ऐसी लाइंस जैसे बनी हुई थी, अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, जो वीट होती है उसकी गंदम की रेस्टलेस साइलेंस थी, खामोशी ही खामोशी वहां पर थी, डिफरेंटली ड्रेस सर्वेंट्स हमें नजर आते थे विद टाइनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेस, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे कमरों में हमें कुछ सर्वेंट्स ही शायद नजर आ रहे थे, द डस्ट बिहाइंड लिमोजीन्स, और जो कारें भी कोई नजर आ रही थी बाहर खड़ी हुई, ठीक है, घरों के बाहर कोई लिमोजीन कार वगैरह खड़ी थी तो भी डस्ट ज्यादा, यानी कि मिट्टी से भरपूर, यानी कोई भी उसको यूज नहीं कर रहा था इस सिचुएशन के अंदर, वॉर की सिचुएशन के अंदर वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, ठीक है। फिर लास्ट स्टैंजा जो है उसमें वो कहता है कि नेवर सच इनोसेंस नेवर बिफोर आर सिंस, कहता है ऐसी इनोसेंस, ऐसी मासूमियत मैंने पहले कभी नहीं देखी इस वॉर की सिचुएशन से पहले, 1914 में जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई तो इससे पहले हमने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी, नॉर बिफोर आर सिंस, इससे पहले भी कभी नहीं और अभी तक कभी नहीं देखी, एज चेंज्ड इटसेल्फ टू पास विदाउट अ वर्ड, जिसने बिना लफ्ज बोले हमारे माजी को बदल दिया है, ठीक है, द मैन लीविंग द गार्डन्स टिडी, और जो आदमी हैं उन्होंने अपने गार्डन्स को भी टिडी खाली छोड़ दिया है, थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस लॉस्टिंग अ वाइल लिटिल वाइल लॉन्गर, जो थाउजेंड्स ऑफ हजारों शादियां हैं वो भी जो है वो
लास्टिंग लिटिल वाइल लॉन्गर, वो भी थोड़ी देर ही रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड्स भी सारे यंग पीपल जो हैं वो उनको फौज में जाना पड़ा और वो ज्यादातर तो मर गए, या अगर कोई हुई भी शादियां तो वो ज्यादा देर तक ना रही। ठीक है, नेवर सच इनोसेंस अगेन, और इस तरह की इनोसेंस कभी भी दोबारा नहीं देखी गई। ठीक है, तो ये एक पोइम है जी, MCMXIV, यानी 1914, ये रोमन टाइटल पर मबनी। तो अब देखते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसमें वो कहता है कि द पोइम इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्लूमी पिक्चर। ठीक है, तो पोइम जो है बेसिकली एक सैड रिफ्लेक्शन है ग्लूमी पिक्चर का ऑफ द सोसाइटी बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो एक जो ग्लूमी पिक्चर हमें दिखती है वर्ल्ड वॉर वन से पहले की, लेकिन हैज स्ट्रेंजली यूज्ड रोमन न्यूमरल्स, लराकिन ने ये रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन आदाद नंबर का इस्तेमाल किया है फॉर द टाइटल ऑफ द पोइम, इस टाइटल के लिए पोइम के, देयरफॉर द टाइटल ऑफ द पोइम इंस्टेंटली कैप्चर्स, टाइटल जो है वो होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो मैं हाल से हाँ टाइटल ऑफ द पोइम इंस्टेंटली कैप्चर्स, तो ऐसे उसने गलती से नहीं डाला या आपने ऐड कर लेना है, captures the reader's attention, वो रीडर की अटेंशन को कैप्चर कर लेता है, and prepares him mentally to read something unusual, okay? और उसको तैयार करता है कि वो कोई unusual चीज पढ़ने के लिए रेडी रहे। ठीक है, perhaps another purpose of the title is to show that it is something relating to ancient times, okay? शायद इसका दूसरा पर्पस ये भी हो कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू एंशिएंट टाइम्स, कुछ एंशिएंट टाइम्स से मुतल्लक है, एज द टाइटल ऑफ द पोइम आल्सो सजेस्ट समथिंग मिथोलॉजिकल। ठीक है, क्योंकि टाइटल जो है वो कुछ मिथोलॉजिकल सजेस्ट करता है। इनफैक्ट द सिलेक्शन ऑफ अ टाइटल डज मच टू क्रिएट एन इम्प्रेशन अबाउट द पोइम टू इम्प्रेस द रीडर्स एट द वेरी आउटसेट। And very interestingly, in MCMXIV, not the selection, but the presentation of title does this job. यानी इसका टाइटल जो है वो उसी से ही अट्रैक्शन हो जाती है कि ये किस किस्म का टाइटल है, जरा सा डिफरेंट टाइटल है, इसमें क्या कहा गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, वो कहता है the poem shows a contrast between the urban and, ये कंट्रास्ट दिखाती है अर्बन लाइफ and the rural life ke andar. The poem is divided into four stanzas. The first two stanzas depict the life in urban areas, while the last two stanzas reflect the life in countryside. Okay, countryside, gaon ke ilaqon ke bare mein. However, in the presentation of both of these lives, there remains an overall sad atmosphere. Okay, koi bhi achhi baat ya koi nahi hame nazar aati, sad aur gloominess hame nazar aati hai. The words and phrases suggest ironic tone and depressed feelings of the poet. तो वो एक ironic tone हमें दिखाते हैं, ठीक है, कि एक irony सी है और depressed feeling है poet की. The language of the poem is simple, but style is little bit ambiguous. Language जो है वो बड़ी simple सी है, colloquial style या colloquial language है, लेकिन वो style जो है उसका little bit ambiguous है. The standing gaze patiently as if they were stretched outside the oval or villa park. Okay, कि वैसे ही patiently बड़े सबर के साथ खड़े थे, जैसे के stretched थे outside the villa, oval or villa park. Okay, and mouse-touched archaic faces indicate in the passion of the volunteers to participate in the war. Shut shops, bleached names, okay. Dark clothed children to present a dull picture of a routine life. There is a marked tinge kehte hain ji, ek color, ek thoda sa jhalak hame nazar aati hai sadness ki, in the description of urban and rural life. The men leaving the gardens tidy
उनको खाली छोड़ा हुआ गार्डन्स को भी मींस दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड टू कंट्री साइड व्हाइल्स दे आर गॉन देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ देयर गार्डन्स द लॉन्ग अनइवन लाइंस स्टैंडिंग पेशेंटली शोज द वॉलंटियर्स सोल्जर्स बिफोर द वॉर दे आर वेटिंग टू पार्टिसिपेट एंड इन दिस वे their marriages are coming to an end because of their death in the war okay kyunki unki marriage wo war pe chale gaye hain to unki marriages bhi khatam hone ko ja rahi hain okay to ek choti si hai वैसे तो current wali book ke andar theek hai lekin agar koi critical appreciation aaye is poem ke bare mein तो वो फिर आपने काफी ज्यादा पता है जो आपने लॉन्ग आंसर लिखना होता है वो तो एटलीस्ट आपने 6 to 8 पेजेस अच्छा खासा वर्ड्स लिखने होते हैं ठीक है वो फिर आपने सर्च कर लेना है लेकिन ज्यादातर जो है वो पास पेपर्स में आपने गेस करना है कि क्या ये इस तरह की पॉइंट्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती भी है या नहीं ठीक है तो उसमें देखें तो ज्यादातर एक दो क्वेश्चन इसके आए हुए थे एज अ मॉडर्न पोइट के तौर पर जो कि आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे तो ये अलबत्ता एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं ठीक है जो सरगोधा यूनिवर्सिटी वाले हैं दूसरे जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए तो वैसे भी ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट पोइम्स के तौर पर वहाँ पर आ सकती हैं ठीक है तो ये हो गई हमारी 1914 पोइम नेक्स्ट पोइम है एम्बुलेंसेज ठीक है तो ये ख़त्म होने लगा है मेरे ख्याल से 7 मिनट्स हैं अभी तो उसमें देख लेते हैं एक आध स्टैंजा कर लेते हैं इसका फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मीटिंग अगर ये क्लोज हो जाती है तो फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम शुरू करेंगे ठीक है ओके समझ आ गई ऊपर वाले क्रिटिकल एप्रिसिएशन की सबको यस सर ओके सो नेक्स्ट आ जाएं अभी वो कह रहा है कि एम्बुलेंसेस एम्बुलेंस इमरजेंसी का सिंबल है एक्सीडेंट का सिंबल है और डिजीज का सिंबल है और टू सम एक्सटेंट डेथ का भी सिंबल है ठीक है या जर्नी टुवर्ड्स डेथ का सिंबल हो सकता है एम्बुलेंसेस जो है ठीक है तो अब इसमें होता क्या है कि वो बताता है कि एम्बुलेंसेस कैसे आती हैं ये कन्फेशनल्स क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स जैसे कि वो चर्च के अंदर कन्फेशंस करते हैं जाकर लोग उस वो एक कमरा होता है बंद कमरा उसी तरह की ये भी होती हैं और ये बाजारों में से गुजरती हुई जाती हैं इनके कलर बड़े चमकदार से होते हैं और हर गली के हर किनारे पर ये एम्बुलेंसेस जो हैं वो विजिट करती हैं जहाँ पर फिर वो रोड पर जाती हैं कहीं पर बच्चे जो है वो बिखरे हुए इधर उधर नजर आते हैं कुछ वुमेन जो है औरतें कहीं से अपनी शॉपिंग वगैरह करके आ रही हैं ठीक है और जी कुछ डिनर से लोग आ रहे हैं ठीक है और वाइट फेसेस जो है वो नजर आते हैं उनको जब इसके अंदर तो इसके अंदर एक स्ट्रेचर सा होता है स्ट्रेचर के ऊपर एम्बुलेंसेज के अंदर और ब्लैंकेट के अंदर उसको रखा जाता है किसी को पैक करके जैसे कोई मरीज वगैरह हो तो उसको रखते हैं उसके अंदर और फिर वो कहता है कि ये लोग जब इसको देखते हैं तो उनको अपनी जिंदगी सारी याद आ जाती है कि कैसे उनको इसको देखकर मरीज को देखकर बड़ा तरस आता है तरस आना शुरू हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि हम तो जो अपने पर्पस हमने बनाए हुए हैं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं ये और वो हासिल करना चाहते हैं तो ये तो सारे बेमैनी से हो जाते हैं ठीक है और जब वो देखता है जब वो सारे लोग देखते हैं तो उन्हें अपनी जो लाइफ की मीनिंगलेसनेस है उसके बारे में उन्हें अंदाजा होता है ठीक है कि ये सारा कुछ हम जिसे परमानेंट तसव्वुर कर रहे हैं ये सब कुछ आरजी है ठीक है तो फिर वो कहते हैं कि इसके बारे में कह रहे होते हैं कि ये बेचारा लेकिन वो खुद के बारे में असल में सरगोशी कर रहे होते हैं कि हम सब ही बेचारे हैं ठीक है तो फिर मजीद वो ये कहता है कि हाँ कि एंड पर जाकर वो सारे क्लोज हो जाते हैं डस्ट डिस्टेंस के अंदर यानी सब रिश्ते जितने भी उसके होते हैं उस पेशेंट के ठीक है वो सारे खत्म हो जाते हैं दुनिया के साथ ठीक है और वो अपने आखिरी सफर की तरफ निकल पड़ता है ठीक है तो ये एक पोइम है
एम्बुलेंसेस गैस की स्टडी करते हैं जी टेक्स्ट को. क्लोज्ड लाइक कन्फेशनल्स, ये बंद है, बंद होती हैं ये एम्बुलेंसेस लाइक कन्फेशनल्स, जैसे कि कन्फेशनल्स होते हैं. चर्च के अंदर एक रूम होता है जिसके अंदर पादरी जो है वो लोगों के कन्फेशंस सुनता है. ठीक है, ये लिखा भी हुआ, वो कमरे जहां पादरी के पास जाकर कन्फेशन करते हैं गुनाह का, यानी वो एतराफ करते हैं अपने गुनाह का कि मैंने ये गुनाह किया है. ठीक है, तो क्लोज लाइक कन्फेशनल्स, वो बंद कमरों की तरह कन्फेशनल्स के, दे थ्रेड, थ्रेड होता है वो तेजी से निकलना, रश में से जाना, थ्रेड वो जाती हैं लाउड नोन्स. ठीक है, लाउड ऊंची आवाज के साथ, या लाउड जब दोपहर जो है वो शोर होता है दोपहर को उस वक्त सिटीज में से. गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लैंसेस दे अब्सॉर्ब, और पीछे एक झलक भी ना देखे हुए दे अब्सॉर्ब, जो भी उन्होंने देखा उसको पीछे मुड़े बगैर वो निकलती जाती हैं रश में से, जैसे निकलते जाती हैं लाइट ग्लॉसी ग्रे, जैसे कि चमकदार ग्रे रंग की हों, सुरमई रंग की चमकदार होती हैं, लाइट ग्लॉसी ग्रे होती हैं. आर्म्स ऑन अ प्लेक, और आर्म्स किसी आरायशी तख्ते की तरह, प्लेक उनके ऊपर होते हैं एम्बुलेंसेस के ऊपर. दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्व, और वो आती हैं किसी भी किनारे पर आके रुक जाती हैं, रेस्ट करती हैं किसी भी किनारे पर आकर, फुटपाथ के किसी भी किनारे पर आकर रुक सकती हैं. ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड, वो तमाम स्ट्रीट्स जो हैं वो इस दौरान वो विजिट कर लेती हैं. ये एम्बुलेंसेस तमाम स्ट्रीट्स जो हैं वो उस टाइम विजिट कर लेती हैं. देन फिर चिल्ड्रंस ट्यून ऑन स्टेप्स ऑन रोड्स, फिर बच्चे जो है स्ट्यून जो के बिखरे हुए होते हैं ऑन स्टेप्स और रोड्स दरवाजों पे या रोड पर, और विमेन या औरतें कमिंग फ्रॉम द शॉप्स जो के आ रही होती हैं शॉप्स से, पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, जिसमें से खुशबू आ रही होती है, शायद वो डिनर्स वगैरह करके आ रही होती हैं मुख्तलिफ डिनर से. सी अ वाइल्ड फेस, वो देखती हैं एक वाइट फेस, एक ब्लडलेस फेस, जो भी मरने को जा रहा होता है तो या तो उसका खून वगैरह बह गया होता है या वो ब्लडलेस फेस होता है, उसका वाइट फेस होता है. ठीक है, दैट ओवर टॉप्स, जो उन सारे चेहरों पे सबकत ले जाता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चेहरा वो हो जाता है जो कि वाइट फेस होता है, जो कि एम्बुलेंस में अब जाने लगा है, जो मरीज का चेहरा होता है. रेड स्ट्रेचर, फिर उसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर एक रेड स्ट्रेचर होती है. ठीक है, ब्लैंकेट्स और उसके कंबल होता है उसके ऊपर दिया गया, जिससे उसको ढांप देते हैं मोमेंटली क्विकली जल्दी से. एज इट इज कैरिड इन एंड स्टोर्ड, इसको लेकर जाया जाता है, एंड स्टोर्ड और पैक्ड, इसको पैक कर दिया जाता है, जल्दी बंद कर दिया जाता है उस एम्बुलेंस को, ताकि इसको जल्दी से लेकर जाया जा सके. ठीक है, ये दो स्टैंजास हैं, तो वन मिनट रह गया, उसके बाद फिर हम दोबारा मीटिंग शुरू करते हैं, उसमें थर्ड स्टैंजा जो है एम्बुलेंसेज का उससे शुरू करें. ठीक है, फर्स्ट टू स्टैंजास की समझ आ गई है? यस सर. सो